अगरताल के एक अनोखे लाइट एंड साउंड शो को सिटी वन ने अपने कैमरे में कैद किया। सिटी वन भी इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। हम यहां पर खड़े हैं रामगढ़ ताल में और गोरखपुर के विकास में एक और नया अध्याय, नया मील का पत्थर साबित हो गया, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है यहां पर लाइट एंड साउंड शो का। आप देखेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि क्या यही 1.5-2 साल पहले का रामगढ़ ताल का इलाका है जहाँ पे रात में 8-9 बजे के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता था, लोगों को घबराहट होती थी इस रोड से जाने के लिए। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और सामने का मंजर बदल जाता है। बिल्कुल वही मंजर आज बदलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो का आगाज हो चुका है। चूँकि इसके पहले हमने आपको सिटी वन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि इसकी कई बार टेस्टिंग की जा चुकी थी। मंडलायुक्त जयंत नलिकर उस समय हुआ करते थे, 1-2 बार टेस्टिंग हुई, सफलतापूर्वक टेस्टिंग हुई। लेकिन आज 30 अगस्त के दिन आज जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से अपने आप में अगर जम्मू कश्मीर की गुलर झील कही जाए इसको तो बड़ी बात नहीं होगी, जुहू चौपाटी अगर कहा जाए तब भी कोई बात नहीं होगा। अपने आप में ये अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है और कम से कम गोरखपुर के लिहाज से तो ये अकल्पनीय भी माना जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे इस ऐतिहासिक लाइट एंड साउंड शो का लुफ्त उठा रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। भाई साहब आप बताइए हमें, यहाँ पे आप काफ़ी देर से इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, बगल में मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, वो भी इस दृश्य को देख रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है आपको? गोरखपुर में कभी कल्पना किए थे कि ऐसा हो पाएगा? बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत सराहनीय हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक टाइम था कि जो जब लोग यहाँ पे आने से घबराते थे इस क्षेत्र में, जहाँ तक मैं बताऊँगा यहाँ का, आज ये चीज़ बना, लोग काफ़ी मतलब इंजॉय कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं काफ़ी वीडियो, मैं भी काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, वीडियोज़ वगैरह कैप्चर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी सौगात दी है मुख्यमंत्री ने हम लोगों को, ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। आने वाले समय में पर्यटन के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहीं पर उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा भी लहराया जाएगा। 700 हेक्टेयर इलाके में फैले इस रामगढ़ ताल को आखिरकार एक नया जीवन मिला है लाइट एंड साउंड के रूप में। ये निश्चित रूप से गोरखपुर के इतिहास में एक और मील का पत्थर, विकास के इतिहास में एक और स्तंभ खड़ा हो गया है और जो कि अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात मिली है गोरखपुर को। सिटी वन इस पल का साक्षी है। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे।